नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी दुख का अधिकार पाठ की समरी देखी थी, तो फिर से हमने रिवाइज किया था। आज हम बात करेंगे प्रश्न उत्तर की, इसके मौखिक और लिखित यानी छोटे और बड़े प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उस प्रश्न के जरिए पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो उत्तर है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसका दर्जा, उसकी कैटेगरी, उसका दर्जा तथा उसके अधिकारों का पता चलता है, अधिकारों का ज्ञान होता है। दूसरा प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? तो उत्तर है, खरबूजे बेचने वाली जो बुढ़िया है अपने पुत्र की मौत का एक दिन बीते बिना खरबूजे बेचने आई थी। सूतक वाले घर के खरबूजे खाने से लोगों का अपना धर्म भ्रष्ट होने का भय सता रहा था, इसलिए उससे कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था। तो सब लोगों का ये मानना था कि ऐसे सूतक वाले घर में, यानी जिनके घर में कोई मरा हुआ है, अभी 14 दिन भी नहीं हुए, तो ऐसे सूतक वाले घर से अगर हम खरबूजे खरीदते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। तो इस भय से लोग बुढ़िया के खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। आगे का प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को यानी वो खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया को देखकर, फुटपाथ पर रोता देखकर लेखक के मन में व्यथा उठी, यानी सिंपथी जगी। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा, कौन? लेखक। आगे का प्रश्न, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? वो खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बेटे की मृत्यु का कारण क्या था? तो उस स्त्री की लड़के की मृत्यु का कारण था सांप द्वारा डसा लिया जाना। वह अंधेरे यानी काफी सवेरे खेत में खरबूजे तोड़ रहा था, उसी समय उसका पैर एक सांप पर पड़ गया था, इसलिए उसकी मौत हुई थी। आगे का सवाल कि बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? स्त्री का कमाओ बेटा, उत्तर है, स्त्री का कमाओ बेटा मर चुका था, अतः पैसे वापस न मिलने की आशंका से, पैसे न मिलने की दावत से कोई उसे इकन्नी दुवन्नी भी उधार देने को तैयार नहीं देता, तैयार नहीं होता। इस प्रकार छोटे प्रश्न अब बड़े प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। पहला सवाल है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? काफी अहम सवाल, मनुष्य के जीवन में पोशाक का, कपड़ों का क्या महत्व है? तो उत्तर है कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक ही मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दर्शाती है, यानी पोशाक की वजह से मनुष्य की सामाजिक यानी समाज में उसका दर्जा क्या है वो, और आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उसकी कंडीशन कैसी है, ये हमें उसके पोशाक से पता चलता है। पोशाक ही मनुष्य को मनुष्य में भेद करता है, पोशाक की वजह से मनुष्य मनुष्य में हमें भेद पता चलता है कि ये सुखी है, ये गरीब है, ये दुखी है, जो भी है, वो भेदभाव होकर उसके कपड़ों से पता चलता है। पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाते हैं, अगर बहुत अच्छे कपड़े हैं, सूट बूट में है, तो उसे लोग आदर का देते हैं, ऑनर देते हैं, सम्मान करते हैं उसका, तथा नीचे झुकने से रोकती है। तो ये कपड़ों की वजह से, पोशाक की वजह से ही व्यक्ति का दर्जा जो है वो निश्चित होता है। पोशाक का इस तरह से मनुष्य के जीवन में काफी महत्व है। आगे का सवाल, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक वैसे तो अच्छे है कि हर जगह रास्ता खुल भी जाता है, अगर सर धज कर हम जाते हैं कोई बढ़िया होटल में और गेट के सामने जाते हैं तो हमारे ऊपर जो दरवाजा खोल लेता है अच्छे कपड़े देख करके, लेकिन
हमें कपड़ों की वजह से भी कई बार हमें अड़चन महसूस होती है, तो वो कैसे? तो उत्तर है, जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वालों को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच अनुभव करते हैं। तो हमसे कम हैसियत वाले यानी गरीब से बात करने में भी हमें अपना जो है बड़प्पन जो है वो बीच में आता है, हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं। तो इस तरह से पोशाक हमारे लिए बंधन या अड़चन बन जाता है। लेकिन उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? तो उत्तर है, लेकिन उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी, एक दुख हुआ रोती हुई, पर अपनी अच्छी और उच्च कोटि की पोशाक के कारण वह फुटपाथ पर बैठ नहीं सकता था। नहीं बैठ सकता था उसके साथ, इतनी अच्छी पोशाक पहनी है और वो खरबूजे बेचने वाली गरीब बुढ़िया के पास बैठेगा तो वो उनसे नहीं हो पाया। ठीक है, तो अपनी अच्छी उच्च कोटि की हाई क्लास क्वालिटी की जो पोशाक के कारण वो उसके साथ बैठ नहीं सका और उसके रोने का कारण लेखक नहीं जान पाया। भगवान यानी वो खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया का बेटा भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था, यानी लाइवलीहुड, निर्वाह यानी लाइवलीहुड, अपना घर परिवार का गुजरान कैसे चला जाता हूँ? तो भगवान शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर हरी तरकारियां तथा खरबूजे उगाया करता था। वह रोज ही उन्हें सब्जी मंडी या फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। इस प्रकार वह कचियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। आगे का सवाल कि लड़की की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? तो उत्तर है, लड़की की मृत्यु के दिन ही खरबूजे बेचने जाना बुढ़िया की घोर विवशता थी। घोर विवशता थी मतलब मजबूरी थी। सांप के डसे लड़के की झाड़फूंक कराने नाग देवता की पूजा और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि यानी अंतिम विधि करने में हुए खर्च के कारण उसके घर में अनाज का दाना भी नहीं बचा था। इसलिए लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया को खरबूजे बेचने जाना पड़ा। आगे का सवाल, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? पड़ोस में जो रहती थी वो महिला की क्यों याद आई लेखक को? तो उत्तर है, लेखक ने बुढ़िया के पुत्र शोक को देखा। पुत्र शोक यानी पुत्र के मरने से होने वाला गम, शोक, तो वो देखा। उसने अनुभव किया कि इस बेचारे के पास रोने धोने का भी समय और अधिकार नहीं है। तभी उसकी तुलना में से अपने पड़ोस की सम्राट महिला की याद आ गई। वह महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही थी। तो यहाँ ये जो खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया है वो उसके पास वक्त नहीं है अपने बेटे को याद करके रो सके। ठीक है, और जबकि उसे अपने घर में जो बहू है और पोते हैं उनके लिए इंतजाम करना है तो उसको मजबूरन खरबूजे बेचने आना पड़ा है। और उसकी तुलना में लेखक को अपनी पड़ोस की जो महिला की याद आई वो तो काफी पैसे वाली गरीब थी, इसलिए वो अपना शोक जो है जाहिर करके वो 2.5 महीने तक पलंग से उठी नहीं थी। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे अपने शब्दों में लिखे? तो
बाजार के लोग गर्भवती पहनने वाली महिला के बारे में तरह तरह की बातें करते हुए ताने दे रहे थे और धिक्कार रहे थे। उनमें से कोई कह रहा था कि बुढ़िया कितनी बेहया है जो अपने बेटे के मरने के दिन ही खतरे में इतनी चली आई। दूसरे सज्जन कह रहे थे कि जैसी नियत होती है अल्लाह ऐसे ही बदल देता है। साथी फुटपाथ पर दिया सराय से कान मिलाते हुए एक आदमी कह रहा था, अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी फसल खुदाई उत्पाद घर सब रोटी का टुकड़ा ही है। इस तरह से लोग बुढ़िया स्त्री के बारे में बातें कर रहे थे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? तो पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का एक जवान पुत्र था बनवाला, वह 23 साल का था। वह शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर सब्जियां उगाकर बेचा करता था। एक दिन पहले सुबह सवेरे वह पके हुए खरबूजे तोड़ रहा था कि उसका पैर एक सांप पर पड़ गया था। साथ में उसे दर्द किया जिससे उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद घर का गुजारा करने वाला कोई नहीं था, अतः मजबूरी में अगले ही दिन खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठना पड़ा। आगे का सवाल अंतिम सवाल, लड़की को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? तो उत्तर है, लड़की को बचाने के लिए बुढ़िया ने वह सब उपाय किए जो उसकी सामर्थ्य में थे, जो उससे हो सकता था वो सब उपाय किए। सांप का विष उतारने के लिए झाड़फूंक करने वाले ओझा को बुलाने लगाई। ओझा ने झाड़फूंक की, नागदेवता की पूजा की गई और घर का आटा और अनाज दान दक्षिणा के रूप में दे दिया गया। उसने अपने बेटे के पैर पकड़कर विलाप किया पर विष के प्रभाव से शरीर काला पड़ गया और वह मृत्यु को प्राप्त कर गया। तो इस तरह से बुढ़िया माँ ने बहुत सारे उपाय किए पर अपने बेटे को बचा नहीं पाई। तो दोस्तों आप लोग इसके प्रश्न उत्तर की तैयारी कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।